उदयपुर के अम्मा माता थाना क्षेत्र में बीती रात 5 से 6 बदमाशों ने एक कपड़ा शोरूम पर जमकर तोड़फोड़ मचाई। व्यापारी के साथ जमकर लाते घूंसे और लट से मारपीट की और शोरूम के काउंटर में रखे 1 लाख रुपए और 3 तोला की सोने की चेन लेकर वहां मौके से फरार हो गए। इसके बाद कपड़ा व्यापारी यशवंत प्रजापत ने अम्मा माता थाना थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर उनके जरिए से आरोपियों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पीड़ित ने अम्मा माता थाने पुलिस को बताया कि वह नीमच खेड़ा ऑटो स्टैंड के पास अपनी एक रेडीमेड स्टोर चलाता है। बीती रात शुक्रवार करीब 9:30 बजे जब वह अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और उसी समय उसकी दुकान के काउंटर में 50,000 की 2 गिड्डियां और 1 सोने की चेन रखी हुई थी, तभी अचानक से एक सफ़ेद रंग की कार उसके शोरूम के बाहर आकर रुकी, जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे जिनके सभी के चेहरे ढके हुए थे। उनमें से कुछ बदमाश बाहर निकले और सीधा उसके शोरूम में घुस गए, उसके साथ मारपीट की और शोरूम के काउंटर में रखे पैसे और सोने की चेन लेकर फरार हो गए।